अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथ्स चैप्टर, मैथ्स बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इतने दिन हम रिविज़न कर रहे थे, रिविज़न भी ज़रूरी था क्योंकि आपको अपनी प्रीवियस क्लास के बारे में ध्यान होना चाहिए कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 0 चैप्टर मतलब रिविज़न। ओके, रिविज़न से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको गौर से देखना है। इतने दिन मैंने आपको रिवीजन कॉपी में दिया था, बट आपका जो मेन रिवीजन है आप बुक से स्टार्ट हो रहा है, आज से आपकी बुक स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको जो रिवीजन है प्रॉपरली नहीं कराया जाएगा, आपको इसमें बताया जाएगा क्योंकि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो आपको क्या करना है, जो हम आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे उसको अपनी कॉपी में करना है। मैं आपको क्वेश्चंस करने को दूंगी, उसे आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, तो रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट इन वर्ड्स। अब देखो, वर्ड्स में तो आप लिखना जानते हो ना, 236, 606, 800, 760, 818, 999, ये सारी चीज़ें अपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट इन वर्ड्स, ये आपको अपनी क्या करना है, कॉपी में करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पर टिक कर दिया है, आपको अपनी कॉपी में करना है। जैसे बुक में दिया ना, तो बुक में ही फिल कर लेना उसको। ओके, ठीक है, जो बुक में है उसे बुक में ही फिल कर लेना, और जो कॉपी में है मैं आपको अपनी कॉपी में ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, जो क्वेश्चंस है वर्ड लैंग्वेज वाले, जो लैंग्वेजेस वाले क्वेश्चंस है वो मैं आपको कॉपी में करवाऊंगी, और जिस जो बुक में स्पेस दिया हुआ है वो आपको स्पेस में ही फिल करना है, वो रिविज़न आपको स्पेस में ही करना है। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो 77 अप्रॉक्स हैं, तो 77 क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे कॉपी में, इसलिए जिस जो बुक में स्पेस दिया हुआ है उसका तो हम बुक में ही करेंगे, और जो कॉपी में करने लायक क्वेश्चंस होंगे वो आपको कॉपी में करवाऊंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही करना है। इसमें आपको लिखना है कि ये वर्ड्स में कैसे लिखे जाते हैं, ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे। मैंने आपको भी बताया 236, 606, 800, 760, 818, ठीक है, तो 999, ऐसे ही आपको वर्ड्स में अपनी कॉपी में बुक में भी करना है क्योंकि इसमें स्पेस दिया हुआ है। आप देखो क्या है, वही सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले में तो था कि आपको वर्ड्स में लिखना है, आप इनको फिगर्स में लिखना है। फिगर्स मतलब ये जो फिगर्स हैं इनको बोलते हैं फिगर्स, और इनको बोलते हैं वर्ड्स। ये वर्ड्स में दिए हुए हैं तो इनको फिगर्स में कन्वर्ट करना है, और ये फिगर्स में थे तो इनको वर्ड्स में, तो ये क्या है, आपको वर्ड्स में दिए हुए हैं तो इनको क्या लिखना है, फिगर्स में लिखना है, करना है इन सबको फिगर्स में लिखना है। ओके, तो 178, तो कैसे लिखेंगे, 178, ठीक है, आया समझ में, 178, तो कैसे लिखते हैं, 178, आया समझ में। आप देखना, 600 आपको लिखना आता है, 777 मतलब 777, ठीक है, 505, 850 मतलब 850, 850, 799 मतलब 799, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में ही करना है, इस पर भी मैंने टिक राइट कर दिया है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो पैटर्न देखना है, सबसे पहले आपको पैटर्न जानना है कि कितने कितने का गैप दिया गया है। इसमें दिया गया है 204, उसके बाद दिया गया है 206, अब 204 के बाद 205 एंड 206, पैटर्न क्या चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया, 204, फिर बोला गया 206, तो अब क्या बोला जाएगा, 208, देन 210, देन 212, ऐसे 14, 16 ऐसे चलता रहेगा, आया समझ में। 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, ऐसे ही क्या है, पैटर्न है। तो आपको अब इसमें क्या देखना है, 336 के बाद क्या आता है, 333 के बाद क्या लिखा है, 336, तो अब पैटर्न क्या बनेगा, 336, अब इसका 3 आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे इसको। अब आपको ये वाला क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में करना है, अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, मैं इस पर भी टिक कर देती हूँ, आपको पैटर्न समझ में आ गया ना, वैसे ही 333, 336, तो आगे क्या आएगा, 339, 342, 345, ठीक है, ऐसे ही आपको आगे आगे 3-3 का गैप देके इसको करते जाना है, आया समझ में। तो आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी अपनी बुक में करना है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
राइट इन फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड फॉर्म तो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी, कैसे एक्सपांड करते हैं. जैसे इसमें दिया हुआ है 415. तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला, 400. तो क्या आएगा यहाँ पे पहले, 400. आया समझ में. फिर इसमें क्या दिया हुआ है, 150 प्लस. अब इसमें क्या आएगा, ये क्या है 15, तो इसका क्या बन जाएगा 10 प्लस 5. ठीक है, क्या आ गया 10 प्लस 5. आया समझ में. इसको ऐसे ही करना है. वैसे इसमें क्या दिया हुआ है, 777. तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 700, उसके बाद 77 बोला अपने, 70 बोला, तो पहले क्या आएगा 70 प्लस, फिर क्या बोला लास्ट में 7. ऐसे ही इसमें क्या दिया हुआ है, 600. तो पहले क्या लिखेंगे, पहले 600 पूरा लिख देंगे, उसके बाद 00. आया समझ में, ऐसे करना है. ये फोर्थ पोर्शन भी आपको अपनी कॉपी बुक में करना है. आया समझ में. अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट द पेज वैल्यू ऑफ बोल्ड डिजिट इज ईच नंबर. अब देखो 375 में बोल्ड कौन सा है, 5. तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ये प्लेस वैल्यू दी हुई है, इसको जो बोल्ड है उसको क्या लिखना है, अपन को इसमें लिखना है. तो इसमें बोल्ड कौन सा है, 5, मतलब ये कौन से प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे है. ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, 5. इसमें क्या है, 186. अब इस ये वंस, ये टेंस, ये 100. ठीक है, तो 8 कौन सी वैल्यू पे है, टेंस की वैल्यू पे है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8. आया समझ में, आ गया समझ में. अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, 8. ठीक है, ये क्या है, वंस, ये क्या है, टेंस. ठीक है, तो टेंस मतलब 8, तो क्या लिखेंगे इसका, 80, क्योंकि वंस भी तो है, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 80. अब वैसे इसमें क्या दिया है, 534. अब 5 किसकी प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100. तो यहाँ पे 5 लिखेंगे इसके पीछे. अब देखो ये 2 है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, 500. आया समझ में. ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि 0 की तो कोई प्लेस वैल्यू होती ही नहीं है. ठीक है, तो उसका क्या आ जाएगा, सिर्फ ओनली 0. आया समझ में. अब आपको ये क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में करना है. ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है अपनी बुक में ही करना है, इस क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू दी हुई है ना. इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है, इसमें स्पेस दिया हुआ है. तो ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में ही करना है. ओके, अब देखो 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंपेयर द नंबर एंड फिल इन द ब्लैंक्स सर्कल्स विद ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल्स टू. हमें क्या क्या साइन देने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू. हमें क्या साइन देने हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू. अब देखो 70 कोष्टक 700, तो क्या है 70 ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या है 70 इज़ द लेस देन ऑफ 700, मतलब इसमें क्या आएगा, लेस देन. ठीक है, इसमें क्या आएगा, लेस देन. इसे क्या बोलते हैं, लेस देन, और इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन. ठीक है, तो 70 इज़ द लेस देन ऑफ 700, मतलब जो 70 है 700 से कम है, ग्रेटर देन है. ऐसे ही 717 कोष्टक 671, तो इसमें क्या आएगा, 717 इज़ ग्रेटर देन 671. जो 771 है वो क्या है, ग्रेटर देन है, ज़्यादा है, किससे, 671 से. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में करना है, क्योंकि इसमें भी आपको स्पेस दिया हुआ है. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अपनी बुक में करना है. अब देखो, आया समझ में. 7 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द बॉक्सेस स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज 1. जो सबसे छोटा नंबर होता है वो कौन सा होता है, 1 ही होता है. स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज 1. ठीक है, अब लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा जो वन डिजिट का नंबर होता है वो कौन सा होता है, 9. वेरी गुड. स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ, 10. ठीक है, तो वैसे ही लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है 99. ठीक है, तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको अपनी बुक में ही करना है. ओके, इस पर भी मैंने ट्रिक राइट कर दिया है. अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट्स. ठीक है,
बताना है कि इस डिजिट से कितने नंबर बन सकते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है 3, 4, 6, तो ऐसे ही क्या बन सकता है 4, 6, 3, ऐसे क्या बन सकता है 3, 6, 4। ठीक है, तो आपको ऐसे पॉसिबल नंबर्स बनाने हैं। जैसे 3, 4, 6 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, 4, 3, यहाँ पे लिख देंगे 4, 6, 3, यहाँ पे लिख देंगे 6, 4, 6, 3, ऐसे आपको पॉसिबल नंबर्स बताने हैं। अब देखो जैसे 508 दिया हुआ है ना, तो क्या क्या बन सकता है 508 से, 805, 850, 580 बन सकता है ना ऐसे। तो आपको ऐसे पॉसिबल नंबर्स लिखने हैं, मतलब ऐसी नंबर से आपको नंबर बनाने हैं कितने, जितने इसमें कॉलम्स दिए हुए हैं, समझ में। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर तो आपको स्टार्टिंग में ही बचपन से ही बताया गया है, ठीक है। असेंडिंग मीन छोटे से बड़े की तरफ चलना, मतलब छोटे क्रम से बड़े क्रम की तरफ चलना। 78 क्या है फर्स्ट में, 78 पहले आएगा, उसके बाद 98, देन 121, देन 212, एंड देन 624। आया समझ में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलना। अब डिसेंडिंग देख लो, 10th नंबर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 10th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अरेंज द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इस नंबर को किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आएगा, 931, इससे बिगेस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 931। उसके बाद क्या आएगा, 448, मतलब 448, एंड देन उसके बाद आएगा 139, उसके बाद 93, मतलब 93, एंड देन 26। ठीक है, आया समझ में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलना और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ चलना। आया समझ में असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है आपको, इसमें दिया हुआ है व्हाट नंबर इज वन लेस देन 1000। अगर हम 1000 में से एक नंबर को लेस कर देंगे तो क्या नंबर आएगा, 999 आएगा ना, 999। आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया हुआ है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट यू कैन फ्रॉम विद डिजिट 069। ये बोल रहे हैं कि आपको 069 से बहुत ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, मतलब डिजिट क्या दी हुई है 069, इससे आपको क्या बनाना है, बहुत ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, 969, सबसे बड़ा है, एंड देन 6, एंड देन 0, तो आंसर क्या होगा 960। आया समझ में, ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में ही करना है। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो था असेंडिंग, वो भी आपको अपनी बुक में करना है, 10 डिसेंडिंग वो भी आपको अपनी बुक में करना है, 11 भी आपको अपनी बुक में करना है। आप क्वेश्चन नंबर 12 बताती हूँ, 12 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, सिर्फ एडिशंस हैं, इन एडिशंस को आपको अपनी बुक में ही करना है। ओके, क्या करना है, इन एडिशंस को अपनी बुक में ही करना है। ये देखो जो भी एडिशंस दिए हुए हैं आपको अपनी सारे बुक में ही कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्योंकि एडिशंस और सबसेक्शंस तो मैंने आपको रिविजन में भी दिए थे तो आपको वो तो पक्के हो ही गए होंगे, तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन जो एडिशन का दिया हुआ है अपनी बुक में ही करना है। अब देखो 13 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन अ पार्किंग लॉट देर आर 246 स्कूटर, 209 मोटरसाइकिल्स एंड 344 कार्स, हाउ मेनी व्हीकल्स आर देयर इन ऑल। अब इसमें दिया हुआ है जो पार्किंग लॉट है, पार्किंग लॉट मतलब जहाँ पे हम पार्किंग करते हैं अपने स्कूटर कार्स मोटरसाइकिल, जहाँ हम पार्क करते हैं वहाँ पे क्या है, 246 स्कूटर है, 209 मोटरसाइकिल है, एंड 344 कार्स है। तो इन सबको ऐड करके बताना है कि कितने व्हीकल हैं टोटल जो कि पार्किंग लॉट में पार्क किए गए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देना, मतलब इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ही इन द गार्डन देर आर 365 मैंगोज ट्रीज एंड 287 गवावा ट्रीज एंड 235 जामुन ट्रीज, मतलब हमको बताने कि टोटल कितने ट्रीज़ हैं पूरे गार्डन में। ठीक है, कितने ट्रीज़ हैं गार्डन में, 365 तो मैंगो ट्रीज़ हैं एंड 287 गवावा ट्रीज़ एंड 235 ट्रीज इज जामुन ट्रीज़। ठीक है, तो आपको इसको भी क्या करना है, एडिशन करना है इन तीनों को, और क्या करना है, इसका आंसर इस कोष्टक में लिख देना। आया समझ में। ऐसे ही देर आर 355 बॉयज़ एंड 339 गर्ल्स इन द स्कूल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देर इन स्कूल। अब इसमें बताया गया है स्कूल में टोटल 358 बॉयज़ हैं और 339 गर्ल्स हैं, मतलब 358 तो गर्ल्स हैं और 339 क्या हैं, गर्ल्स हैं।
बॉयज़ 358 एंड गर्ल्स इज 339। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, आपको टोटल स्टूडेंट्स के नंबर बताने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स के नंबर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट तो ना करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर डिफरेंस आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमको क्या पता लग जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐड करके लिख देना है। आया समझ में? लेट्स टर्न द नेक्स्ट पेज। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन तो आपको पता ही है, माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अपनी सारी बुक में करना है। आया समझ में? वन ए से लेकर टी तक आपको अपनी बुक में ही करना है, क्योंकि इसमें स्पेस दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं 1, 2, 16 आपको अपनी बुक में ही करने हैं, कॉपी में नहीं करने हैं। ओके, जितने भी क्वेश्चंस कराए ना आज मैंने रिवीजन के 1, 2, 16 आपको अपनी कॉपी में ही करने हैं, सॉरी आपको अपनी बुक में ही करने हैं, कॉपी में नहीं करने हैं। किस में करने हैं? बुक में ही करने हैं, क्योंकि बुक में क्या है, स्पेस दिया हुआ है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बुक में ही करने हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय बच्चों।